नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सितंबर मंथ की लेटेस्ट हाई कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों का मुझसे एक बेसिक सा क्वेश्चन बार बार रहता है कि सर, हमारे दादा से, हमारी दादी से, हमारे पिताजी से धोखे से वसीयत बनवा ली गई, हमें इस चीज की जानकारी नहीं दी गई और धोखे से ही उस वसीयत का इस्तेमाल करते हुए संपत्ति के अंदर अपना नाम चढ़वा लिया, या फिर धोखे से प्रोबेट की प्रोसीडिंग्स कराकर संपत्ति अपने पक्ष में करवा ली गई। अब दोस्तों, यहां पर जब आप अपने एडवोकेट के माध्यम से 263 इंडियन सक्सेशन एक्ट के बिहाफ से उस प्रोबेट प्रोसीडिंग्स को रिवोक कराने जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि यहां पर आपको तो एक नोटिस भी इशू हुआ है और आपके यहां पर लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग भी करवाई गई थी। सरल भाषा में बताऊं तो कोर्ट में यह दिखाया गया है कि आपको पर्सनली नोटिस भी भेजा गया है, साथ ही साथ लोकल न्यूज़पेपर के अंदर आपके यहां पर प्रोसीडिंग्स की इंफॉर्मेशन डाली गई है। इसके बावजूद भी आप कोर्ट प्रोसेस का पार्ट नहीं बने, इसी वजह से आपके खिलाफ जाकर एक्स पार्टी ऑर्डर ले लिया जाता है। अब दोस्तों, ये चीज केवल विल वसीयत तक ही नहीं, कई बार लोग धोखे से अपने नाम पर संपत्ति से जुड़ी डिक्री कराने के लिए इसी प्रकार की चालबाजी का सहारा लेते हैं। वो नोटिस तो सर्व कराते हैं पर अपोजिट पार्टी तक वो कभी पहुंचता ही नहीं और कोर्ट में दिखाया जाता है कि हमारी तरफ से नोटिस भेजा गया था। इसके अलावा वो किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग कराकर ये कहते हैं कि सभी लोगों तक ये न्यूज़पेपर जाता है और उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच ही गई, किंतु इसके बावजूद भी वो प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बन रहे और ये चीज दिखाते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर ले लेते हैं। अब दोस्तों, क्या ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया जा सकता है। और आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू लीगल कंसल्टेशन पाना चाहते हैं यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज हम बात करते हैं विल वसीयत के बारे में। देखिए, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत एक वसीयतकर्ता, जिसे आप टेस्टेटर भी कहते हैं, वो अपने घर पर बैठा बैठा एक वसीयत तैयार कर देता है और जैसे ही उस पर दो विटनेस के साइन होते हैं वसीयतकर्ता के सामने और वसीयतकर्ता के साइन उन विटनेस के सामने होते हैं, वो वसीयत उसी समय से वैलिड मानी जाती है। अब उसको चाहे आप नोटरी कराएं, उसको आप रजिस्टर्ड कराएं, वो आपकी मर्जी है, पर वसीयत केवल दो अटेस्टिंग विटनेस के साइन होने से यहां पर वैलिड मानी जाती है। अब दोस्तों, आजकल काफी ज्यादा धोखाधड़ी के केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों का यही कहना है कि सर, हमारे पिताजी से, माता दी से, दादा दादी से धोखे से वसीयत करा ली, जब ये वसीयत हुई हमें आज तक उस वसीयत के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा झूठे तरीके से उन लोगों ने इसी वसीयत का इस्तेमाल करते हुए अपना नाम संपत्ति के अंदर चढ़वा लिया। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी इस तरीके से संपत्ति में नाम नहीं चढ़ेगा, चाहे आप तहसीलदार कार्यालय से कराएं, चाहे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के थ्रू कराएं, वहां पर एक बेसिक प्रोसेस होता है, चाहे तहसीलदार हो या हमारा ऑनरेबल कोर्ट हो, वो पहले जितने भी हिस्सेदार हैं उनको एक मौका देते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप लोग ऑब्जेक्शन आकर फाइल कर सकते हैं। अब अपोजिट पार्टी को इस चीज की पहले से ही जानकारी होती है कि हमने तो धोखे से इस डॉक्यूमेंट को बनवाया है, अगर यहां पर किसी की कानो कान भी ये खबर आ गई तो इस दस्तावेज को 110% चैलेंज किया जाएगा और हो सकता है इसको कैंसिल भी करवा दिया जाए। अब इसी चीज से बचने के लिए वो यहां पर क्या तरीका अपनाते हैं, वो धोखे से आप लोगों को नोटिस सर्व भी दिखा देते हैं और किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग करवा देते हैं जो केवल लिमिटेड जगहों पर ही जाता है। इस तरीके से वो ये दिखाते हैं कि हमने सारा लीगल प्रोसेस फॉलो कर दिया
और इसके बावजूद भी किसी पार्टी का वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, और इस चीज का सहारा लेते हुए वो अपना नाम वसीयत का इस्तेमाल करते हुए अपना नाम मालिकाना हक में अपडेट करा लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कभी भी इस चीज को लेकर चैलेंज किया जाएगा, मान लेते हैं किसी ने धोखे से कोर्ट का सहारा लेकर एक प्रोबेशन का प्रोसेस कराया, यानी कि विल को प्रोबेट करा लिया, अब अगर आप उस प्रोबेट को चैलेंज करके कैंसिल कराना चाहते हैं, रिवोक कराना चाहते हैं, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 263 का सहारा आपको लेना पड़ेगा। डिस्प्ले पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पूरे प्रोविजन में निर्धारित है कि अगर प्रोबेट हुआ है तो किस किस कंडीशन में उस प्रोबेट को कैंसिल करवाया जा सकता है। अब दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार की नोटिस को सर्व करने की बात आएगी, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन छपवाने की बात आएगी, तो जो विल के अंदर बेनिफिशियरी है, यानी कि जिसको विल के अंदर संपत्ति मिली है, बेनिफिट मिला है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा कि वो कोर्ट में साबित करे कि प्रॉपर तरीके से नोटिस सर्व किया गया था, और साथ ही साथ एक बढ़िया न्यूज़पेपर के अंदर प्रोसीडिंग्स की पब्लिकेशन कराई गई, जिससे यह चीज संभावित है कि सभी लोगों तक इसकी जानकारी गई हो। ये दोनों बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएंगे? ये आएंगे बेनिफिशियरी ऑफ विल के ऊपर, जिसने धोखे से यहां पर वसीयत का इस्तेमाल करते हुए संपत्ति में अपना नाम चढ़वा लिया। अब दोस्तों सितंबर मंथ में बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है, इसको मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस कर लूं, केस का फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूं, साथ ही साथ यहां पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपको मैं क्लियर करूंगा, ताकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। दोस्तों अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको यहां पर दिखाई देगा, देखिएगा केस टाइटल है मिस इल्यूलिया सिक्यूरियानी मेंजिस एंड साइरिल एंथनीज मेंजिस एंड अदर्स। यहां पर इसका आप साइटेशन नंबर देखिएगा KAR 353, केस नंबर है MFA नंबर 12112 ऑफ 2007, और बिल्कुल इसी मंथ सितंबर 2023 का ये ऑर्डर है। अब दोस्तों केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में यहां से आपको क्लियर करने वाला हूं, बड़ी ध्यान से इस वीडियो को अब आपको देखना है, क्योंकि केस के फैक्ट्स जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको नहीं पता होगा कि जजमेंट को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों यहां से मैं केस के फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर करता हूं, बड़ी ध्यान से देखिए। देखिए प्रेजेंट केस के अंदर जो पिटीशनर है उसका कहना है कि यहां पर धोखे से वसीयत की प्रोबेशन कराई गई है, और हमें ना तो कोई नोटिस सर हुआ है और ना ही किसी न्यूज़पेपर के अंदर प्रोसीडिंग्स की पब्लिकेशन कराई गई, बेसिकली ठीक यहां पर धोखे से सारा प्रोसेस कराया गया था। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो विल की प्रोबेशन हुई है उसको प्रोबेट कराया गया है, उसको रिवोक करने के लिए 263 के तहत, इंडियन सक्सेशन एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, 263 के तहत उसको रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई, जिसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। नाउ दोस्तों यहां पर एक ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने अब पिटीशन डाली गई है इसी चीज को लेकर कि धोखे से फ्रॉडुलेंटली तरीके से यहां पर यह ऑर्डर लिया गया है। कौन सा ऑर्डर? प्रोबेट जो कराई है विल का, वो ऑर्डर। नाउ दोस्तों अब यहां पर दोस्तों रिस्पोंडेंट का कहना है कि भाई साल 1973 में यह वसीयत तैयार कराई गई है, और इसके बाद साल 1974 में एक बॉन्ड भी मैंने लिया है। अब जब इसकी प्रोबेट की प्रोसीडिंग साल 1984 में हो रही थी, तो पर्सनली जाकर मैं यहां पर पिटीशनर को इसका सर्व करके आया हूं नोटिस। इसके अलावा हमने तो एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिशिंग कराई गई है, जिसका एविडेंस यहां पर उन्होंने कोर्ट में लाकर लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो विल को प्रोबेट कराया गया है वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अब जो ये अपील डाली जा रही है ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने, ये चीज बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानी जानी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर जो अपीलियंट है उसका कहना है कि मैं यंगेस्ट डॉटर हूं वसीयतकर्ता की। वसीयतकर्ता साल 1971-1972 के आसपास बिल्कुल फिट थे ही नहीं, क्योंकि वो ओल्ड एज में थे, और ऐसी कंडीशन में वो वसीयत को लिखने की स्थिति में थे ही नहीं, तो कैसे उन्होंने 1973 में कोई वसीयत लिख दी, जबकि वो तो मेरे साथ रहते आ रहे हैं, उनकी देखभाल करना ये सारी चीज मैं कर रही हूं, और अगर 1973 में कोई वसीयत लिखी गई है तो वह हमारी नॉलेज में आज तक नहीं आई, और ठीक सीधा 1984 में प्रोबेट कराने के लिए उसके लिए प्रोसीडिंग्स कराई, जिसकी ना ही हमें नोटिस सर्व किया गया और ना ही हमें कोई न्यूज़पेपर मिला जिससे हम जाकर कोई लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट में ले सके। अब ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने ये मैटर गया है। दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन आया, तो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि जो बेनिफिशियरी है विल का, यानी कि जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा कि उसको यह चीज साबित करनी होगी कि उसने पर्सनली जाकर नोटिस
इस अपीलियंट के पास सर्व किया और साथ ही साथ जो पब्लिकेशन हुई है न्यूज़पेपर की वो भी चीज साबित करनी पड़ेगी। अब देखिए रिस्पोंडेंट ने यहां पर इन चीजों को साबित करने के लिए एक ऑर्डर शीट दिखाई, साथ ही साथ जिस न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हुआ था वो चीज कोर्ट में लाकर सबमिट की। अब दोस्तों यहां पर अपीलियंट ने दिखाया कि केवल ऑर्डर शीट हो जाने से ये चीज तो कहीं भी नहीं लिखती कि हाँ अपीलियंट के पास ही पर्सनली ये नोटिस सर्व किया गया। बेसिकली दोस्तों अगर कोर्ट की तरफ से या किसी एडवोकेट की तरफ से आपके नाम से नोटिस आता है तो आप उसे एक्नोलेज करते हैं, रिसीव करके नीचे साइन करते हैं, तो ये चीज दर्शाती है कि आपने उसे रिसीव कर लिया। केवल ऑर्डर शीट में दिखा देने से यह चीज साबित नहीं होगी कि हाँ नोटिस उसी को सर्व किया गया है। यह चीज यहां पर अपीलियंट ने भी कही कि ऑर्डर शीट में नाम आने से यह तो कहीं भी नहीं दिखता कि मुझे ही नोटिस सर्व हुआ है। दूसरी चीज, जिस न्यूज़पेपर का रेफरेंस यहां पर दिया गया है वो एक लिमिटेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर है, यानी कि वो लिमिट के साथ पब्लिश किया जाता है और उसके जो चुनिंदा सब्सक्राइबर है, चुनिंदा लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों तक यह अखबार पहुंचाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यह चीज वैलिड नहीं मानी चाहिए कि प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया है विल की प्रोबेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक अपीलियंट को पहुंचाने के लिए। और अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो सेक्शन 263 इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उस ऑर्डर को यहां पर वॉइड ठहरा देना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर अब ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने फैसले को देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दिया है। डिस्प्ले पर देखिएगा, ये जजमेंट आपके केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों जजमेंट का नाम था हमारा यहां पर बसंती देवी वर्सेस रवि प्रकाश राम प्रसाद जायसवाल। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यही हेल्ड किया था कि अगर प्रॉपर साइटेशन यहां पर नहीं इश्यू होती तो यह प्रॉपर कारण माना जाएगा कि वो जो एप्लीकेशन है उसको रिवोक किया जाए, यानी कि अगर जो साइटेशन है, प्रोसीडिंग है, उससे रिलेटेड प्रॉपर पब्लिकेशन वगैरह नहीं हो रही तो जो वो प्रोबेट की जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी या फिर प्रोबेशन लिया गया था उसको रिवोक कराया जा सकता है। देखिएगा, इन द केस एंड हैंड साइटेशन वाज टेकन आउट एंड सेम वाज टेकन इन वीकली मैगजीन। अगर जो प्रोसीडिंग्स की जो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हुई है वो किसी वीकली मैगजीन में हुई है तो वो भी केवल सर्कुलेटेड सब्सक्राइबर के बीच अगर हुई है, यानी कि जो उनके चुनिंदा लोग है केवल वहां तक पहुंचाया गया है, तो यही माना जाएगा कि ये प्रॉपर साइटेशन की पब्लिशिंग नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार का अगर कोई ऑर्डर यहां पर ट्रायल कोर्ट से लिया जा रहा है तो वो मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा। इस रेलिवेंट जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने यही पाया कि प्रेजेंट केस के अंदर ना ही प्रॉपर तरीके से नोटिस को सर्व किया गया है, केवल ऑर्डर शीट में दिखा देने से यह चीज साबित नहीं होगी कि नोटिस की प्रॉपर सर्विंग हुई है। सेकेंड चीज यहां पर यही कही गई कि किसी वीकली मैगजीन में या फिर किसी ऐसे न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग कराना जो अपने सब्सक्राइबर तक लिमिट है उसके अंदर अगर पब्लिशिंग हो रही है तो ये प्रॉपर पब्लिशिंग नहीं मानी जाती। ऐसी कंडीशन में इस प्रकार का जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने पास किया है वो एरर की वजह से किया है, उसको यहां पर दोबारा से ध्यान देना होगा। और अपील को एक्सेप्ट करते हुए इस ऑर्डर को साइड कर दिया और जो 263 की एप्लीकेशन लगाई थी उसको रिवोक कराने के लिए प्रोबेट की एप्लीकेशन को वो चीज यहां पर बिल्कुल वैलिड ठहराई गई। अब दोस्तों यहां से आपको क्या क्लियर हुआ, वीडियो का क्या कंक्लूजन है, मैं आपको समझाता हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से मैंने आपको क्लियर किया कि कैसे अगर आपको प्रॉपर नोटिस सर्व नहीं किया, प्रॉपर न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग नहीं कराई तो उस प्रोसीडिंग्स को आप वॉइड ठहरा सकते हैं। इसके अलावा कौन से प्रोविजन में जाकर आपको जो प्रोबेट कराई गई है बिल उसको रिवोक कराना है वो सेक्शन 263 इंडियन सक्सेशन एक्ट है, ये भी मैंने वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया। तो अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी का आप शिकार हुए हैं तो आप मुझसे कॉल पर कनेक्ट करें, मैं आपको गाइड करूंगा कि किस किस प्रोसेस से आप यहां पर अपना स्टैंड दोबारा से केस में जाकर ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली मेरे थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।